नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मैं आपके लिए एक और खास सरकारी जॉब से रिलेटेड वीडियो लेकर हाजिर हूं। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, दसवीं पास अभ्यर्थियों के लिए रेलवे का बड़ा ऑफर। जी हां दोस्तों, मैं बता दूं कि रेलवे ग्रुप डी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है। जो नोटिस है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। आप वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी सरकारी जॉब से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, रेलवे ग्रुप डी के अंदर 100,000 वैकेंसी सन 2019 में निकाली गई थी, जो दसवीं पास अभ्यर्थियों के लिए थी। उन्हीं के ऊपर मैं एक जो नोटिफिकेशन आया है उसको मैं आपको बिल्कुल विस्तार से बताने वाला हूं। तो नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जिन अभ्यर्थियों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे, जी हाँ दोस्तों, बहुत से अभ्यर्थियों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे फोटो और सिग्नेचर की वजह से। जी हाँ दोस्तों, फोटो और सिग्नेचर की वजह से बहुत से अभ्यर्थियों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे, क्योंकि फॉर्म स्टेटस बहुत दिन पहले ही दिखा दिया गया था लेकिन एग्ज़ाम अभी तक नहीं हो पाया है। तो लेकिन अब बहुत जल्द एग्ज़ाम होने वाला है, इसीलिए रेलवे ने अपना नोटिफिकेशन भेज दिया है। तो नोटिफिकेशन में साफ तौर पर दिया गया है, जिन अभ्यर्थियों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे फोटो और सिग्नेचर की वजह से, उनके लिए वेबसाइट ओपन होने वाली है बहुत जल्द, और वो अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लें। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ऐसी ही जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसी नोटिफिकेशन, कोई भी सरकारी जॉब से रिलेटेड आती है तो मैं आपको फटाफट से लेके आने वाला हूँ। थैंक यू दोस्तों।